नहीं आपा, आप दिल छोटा ना करें, इंशाल्लाह बारात लेकर आप खुद आएंगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी अल्लाह के करम से। जी जी आपकी बहू ठीक है, नहीं पॉलर नहीं गई, कह रही है खुद तैयार हो जाएगी। बस ऐसी ही है आपा वो, इंशाल्लाह। ओके अल्लाह हाफिज। फंक्शन के बाद कह रही थी कि तुम वो क्या होता है स्काइप पे बात कराओगे उज्मा से। जी अंकल, अंकल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है राहिल, उसके घर अम्मी को छोड़कर आया हूँ। साथ कोई रिश्तेदार नहीं है इसलिए अब्बा को याद करके उदास हो रही हैं। रात में उज्मा से बात करवाऊंगा तो दिल बहल जाएगा उनका। बिल्कुल क्यों नहीं। अच्छा बेटा तुमने तो तैयार होने कहीं नहीं जाना। भाई सुना है कि आजकल के लड़के तकरीबात के लिए तैयार होने ब्यूटी शॉप्स जाते हैं। नहीं अंकल, मैं आपकी बेटी की तरह बहुत सादा हूँ। चलो ये तो अच्छी बात है, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। अच्छा मैं जरा बाहर इंतजाम देख लूं। अंकल आप अकेले क्यों जाएंगे, मैं चलता हूँ ना आपके साथ। जीते रहो, आ जाओ। मैम फेडरल मिनिस्टर साहब का पीएफ फोन कर रहे हैं। प्लीज इग्नोर, ऐसी कोई भी कॉल आए आप रिसीव नहीं करेंगे। दे ऑल वांट टू नो अबाउट दैट न्यूज। जी मैम, बट आप परेशान ना हो, साहब का कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब? मतलब ये कि मैम जो आदमी मरा है वो एक आम फैमिली से ताल्लुक रखता है, ना उनके कोई सोर्स हैं और वो केस करके भी नहीं जीत पाएंगे। अम्मी क्या पकाया आपने? आलू की भुजिया बना रही हूँ। आलू की भुजिया तो मैं नहीं खाऊंगा। अभी खा लो, शाम में तुम्हारी पसंद की बिरयानी बनाऊंगी। बिरयानी तो आदि भाई को भी पसंद है, उनको भी फोन करके कह दूं कि आज रात का खाना हमारे साथ खा लें। हाँ कह दो। आज कुछ भी खिलाने की लालच दे दो, नहीं आएगा वो। क्यों क्यों? आज किसी खजाने का पता चल गया उसे। मोहब्बत का खजाना छीनने वाला है आज उससे। क्या मतलब? उज्मा की मंगनी है आज, वहां जाना है उसे। रमी आप कल पका लीजिएगा, मैं हादी भाई को सुबह ही कॉल कर दूंगा। पक्का? पक्का। चलो ठीक है, आज फिर कोई सब्जी बना लूंगी, खा लूंगा। देखें